शाबाश है बेटा, आखिरत वाले दिन भी कहियो कि तुझे इसी माँ के नाम से पुकारा जाए। मुझे छोड़े फरहत, छोड़ दे, जरा पकड़ से, जरा छोड़ दे प्लीज। चोर की बच्ची कहाँ है? आ, मुझे कहाँ है? छोड़ दे, शराफत चला के दे दे मुझे, वरना तेरी लाश जाएगी इस घर से। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रही है आप? अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये भी ख्याल नहीं है कि सामने जवान जहान कमारी बहन खड़ी है और इनकी बेगैरतियां देखो जरा। इसी वजह से जलजले आते हैं, इसी वजह से बर्बादियां होती हैं, इन्हीं आवारगियों की वजह से। ये वीडियो अगर सोशल मीडिया पे वायरल हो गई ना तो खुदा की कसम लोग घर जला देंगे आके हमारा। हाँ हाँ, तो जाके बता देना उन सोशल मीडिया वालों को कि आके तेरी माँ का सर मुंडे और उसे गधे पे बिठा ले, क्योंकि उसने तेरी ड्रामाबाज बीवी के शान में गुस्ताखी की है। अरे भाई, जेवर खा गई है ये, मेरा सारा डकार गई है। हाँ तो हमारे यहाँ का कौन सा जेवर था? सारे का सारा जेवर तो सामिया के यहाँ का था। मुझे बता रही है, सुनिए, तुम कितनी बदतमीजी से अम्मी से बात कर रहे हो, इस छिपकली के लिए? और तुम लोग जो कर रहे हो वो सब बहुत अच्छा है, और इस सब में तुम्हारा कसूर है। तुम्हें आदत है ये गेट खुला छोड़ने की। पिछली बार भी जब तुमने गेट खुला छोड़ा था तो कोई मेरी बाइक ले गया था। अम्मी हर वक्त अपने कमरे में होती है और तुम हर वक्त वो टीवी ड्रामों में मसरूफ होती हो, होश नहीं होती तुम्हें, और मेरा कमरा बिल्कुल सामने है। ये जो रोने धोने वाली मनावटी किस्म की औरतें होती है ना, सारे फसाद की जड़ यही है। और बेटा, तुम पर तो शाबाश, तुमने तो जन मुरीदी के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसे मोहब्बत जता रहे हो जैसे जन्म मैंने नहीं इसने दिया हो। चल फरहत, हल्का मत लीजिए, कल तक सारा जेवर सामने रख देना। चल ना। कुछ नहीं हूं, सब ठीक हो जाएगा। शाबाश है बेटा, आखिरत वाले दिन भी कहियो कि तुझे इसी माँ के नाम से पुकारा जाए, जहन्नम रसीद होगा इंशाल्लाह।